बलरामपुर जिले के एक पहाड़ी कोरवा बस्ती में आंगनवाड़ी केंद्र नहीं होने से नौनिहालों का भविष्य अधर में नजर आ रहा है। मोहल्ले से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर बने आंगनवाड़ी केंद्र तक पहुंचने के लिए नहर और जंगली रास्ता होने के कारण परिजन अपने बच्चों को केंद्र तक भेजने में डर रहे हैं। तो वहीं विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा अब तक मामले की जानकारी अपने उच्च कार्यालय तक भेजी नहीं गई, जिससे लोगों में नाराजगी रहे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जिले में राजपुर जनपद पंचायत के आरा ग्राम अंतर्गत धवई बांध पारा की, जहां पर करीब 30 से 35 घरों की विशेष पिछड़ी जनजाति के पहाड़ी कोरवा की आबादी निवास करती है, जो कि नहर और जंगल के किनारे बसा हुआ क्षेत्र है। यहां पर करीब 20 से 25 नौनिहालों का भविष्य अधर में है, जिसकी उम्र, इन्हें सरकार द्वारा प्रदत्त अच्छे पोषण आहार, शारीरिक और बौद्धिक ज्ञान की आवश्यकता है। उस समय बच्चे घर पर ही अपना समय व्यतीत कर रहे हैं और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि यहाँ पर कोई आंगनवाड़ी केंद्र ही संचालित नहीं है। है बहुत समस्या है, कहे कि यहाँ बहुत बच्चे हैं और आंगनबाड़ी भी नहीं है और बच्चे इधर उधर खेल रहे हैं, कहीं नहीं जा पाते हैं। आरा है, आरा पारा में है, 2-3-4 किलोमीटर दूर है, बच्चे नहीं जा पाते हैं। यहाँ एक आंगनबाड़ी हो जाता तो बढ़िया से पढ़ते लिखते, दिन भर खेलते हैं, खेत में जाते हैं, कहाँ कहाँ चले जाते हैं जंगल में खेलने के लिए, तो अच्छा होता है यहाँ एक आंगनबाड़ी हो जाता। जिस आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों का नाम दर्ज है, वो केंद्र बस्ती से करीब 3 किलोमीटर की दूरी पर है और इतनी दूरी तय करके वो नहर और जंगल के किनारे से गुजरने वाले रास्ते से आंगनवाड़ी केंद्र तक भेजने में बच्चों के परिजनों को डर लगता है। और यही वजह है कि यहाँ नौनिहाल अपना बचपन किसी आंगनवाड़ी केंद्र में नहीं, बल्कि गांव में ही बिना अक्षर ज्ञान के, बिना पोषण आहार के गुजार रहे हैं। सर, यहाँ आंगनवाड़ी नहीं है और बच्चे छोटे छोटे हैं, करीब 30-35 बच्चे हैं, और नहर भी है, जंगल भी है, और रास्ता बहुत खराब है, तो हम लोग इतना दूर नहीं भेज सकते हैं। यहाँ से 3 किलोमीटर आंगनवाड़ी है, तो छोटे छोटे बच्चों को हम लोग नहीं भेज सकते हैं उधर, तो यही सब समस्या है। यहाँ पर एक भी आंगनबाड़ी नहीं है, बच्चे बहुत ज़्यादा हैं और पढ़ाई लिखाई भी नहीं हो रहा है, सब खेल खेल के, मतलब कि लड़का घर में है, कोई इधर उधर जा नहीं पा रहे हैं, और जंगल में बहुत से जानवर भी आते हैं और जंगल बहुत भारी है, तो कहाँ से हम लोग भेज पाएंगे। आंगनबाड़ी से जरूरी बच्चों को सुपोषित रखने के लिए शासन द्वारा दिए जाने वाला गर्म भोजन भी बच्चों को नहीं मिल पा रहा है। धवई पारा में रहने वाले ग्रामीण अपने मोहल्ले में ही आंगनबाड़ी केंद्र खोलने की मांग कर रहे हैं, ताकि उनके बच्चों का भविष्य बेहतर हो सके। नहीं जाते हैं आंगनबाड़ी, बस खेल कूद के घर में रहते हैं, और भेजने के लिए भी बहुत दिक्कत होता है, जंगल है, नहर है, अगर नहर में डूब जाएंगे, अगर जंगल जंगली जानवर है, कुछ भी हो सकता है, इसीलिए हम नहीं भेजते हैं, बहुत दूर है, बच्चे लोगों के लिए तो दूर ही ना है। यहाँ खोलना चाहिए, खोलना चाहिए, लेकिन सबसे बड़ी विडम्बना यह है कि मामले में महिला एवं बाल विकास विभाग गंभीर नजर नहीं आ रहा है, और यही वजह है कि यहाँ के नौनिहाल होने वाले समस्याओं से अब तक जिला स्तर के अधिकारियों को अवगत ही नहीं कराया गया। जो भी यहाँ स्थिति, पुल, नहर में दुनिया में बनवाना है, आंगनबाड़ी न कुछ भी, हम लोग जाके सरपंच लोग का बैठक में जाते हैं, जाने के बाद में भी वहाँ सब चीज, यहाँ का समस्या मैं उसको दर्शवाता हूँ, जो सचिव लोग दर्शाते हैं, सरपंच, उप सरपंच, जितना सब दर्शाने के बाद में इस फार्म को ले जाते हैं, ले जाने के बाद वो फार्म कहाँ जाता है, जाने के बाद वहाँ कहते हैं कि इतना दिन में हो जाएगा, सब जमा हो गया है। जब मीडिया ने इस मामले में राजपुर विकासखंड परियोजना अधिकारी से सवाल किया, तो उन्होंने गांव में सर्वे कराकर पंचायत का प्रस्ताव मांगने की बात कही है, लेकिन देखना यह होगा कि क्या विभाग के उदासीन रवैये के कारण नौनिहालों का भविष्य अधर में ही रहेगा, या फिर अधिकारी इस मामले में संज्ञान लेकर कोरवा बस्ती में आंगनवाड़ी केंद्र खोलने की पहल करेंगे। वहाँ के अभी आरा के नवापुरा आंगनवाड़ी केंद्र में सम्मिलित है सर, फिलहाल में तो बच्चे केंद्र जा रहे हैं क्या? केंद्र बच्चों को आने के लिए बहुत दूर पड़ जाता है सर, उतना संभव नहीं हो पाता है कि पूरे बच्चे वहाँ लाभान्वित कर पाए। उसके लिए क्या कोई व्यवस्था आप लोग कभी किए हैं कि नहीं किए, क्या करेंगे? इससे पहले एक बार ये पंचायत प्रस्ताव बना के प्रस्तुत किया गया था कार्यालय में, लेकिन अभी उस प्रस्ताव को जिला तक नहीं पहुँचाया गया है, लेकिन दोबारा वहाँ से पंचायत प्रस्ताव और वहाँ की जनसंख्या सर्वे कराकर पुनः मंगाया जा रहा है।